केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भी अब भूकंप का अवलोकन संभव हो पाएगा। श्रीनगर व जम्मू के बाद उधमपुर में भूकंप अवलोकन केंद्र स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अर्थ साइंसेज मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की ओर से उधमपुर में स्थापित इस केंद्र का उद्घाटन किया। उधमपुर के दंदियाल स्थित डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस में इस अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी सेंटर की स्थापना की गई है। इस केंद्र को 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है और जम्मू कश्मीर में ये तीसरा केंद्र है। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 152 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक उधमपुर में स्थापित किया गया है। उधमपुर में इस केंद्र के स्थापित होने से उधमपुर के साथ लगते डोडा, रामबन, किश्तवाड़ व अन्य जिलों की जियोलॉजिकल मूवमेंट के बारे में भी जानकारी हासिल हो सकेगी। उधमपुर जिला जोन 4 में आता है और इस मशीन के लगने से भूकंप संबंधी डाटा एकत्रित करने में सहयोग मिलेगा। इस मशीन की मदद से उधमपुर का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, जिससे भूकंप से जिले की स्थिति में होने वाले बदलावों का आकलन भी हो पाएगा। डॉक्टर एम रविचंद्रन है, बहुत समय तक ये चेन्नई में काम करते थे, हम इनको दिल्ली ले आए और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान संबंधी सभी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है, मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रतिभाओं और विभूतियों से हमारा विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार हम संसार में अग्रणी रोल निभा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। उनके साथ बैठे हुए हमारे और आपके यहाँ के लोकप्रिय जिला परिषद के अध्यक्ष लालचंद जी, काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर योगेश्वर जी, नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुखिया डॉक्टर मिश्रा, जिनका वक्तव्य आपने बड़े विस्तार में सुना, हमारी हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया है इस जिला की सचिव बीएम रितिका जी, एसएसपी साहब, हमारे भगवान जी, हमारे बीबीडीसी चेयरमैन, मेरे सामने बैठे हुए उधमपुर नगरी के प्रमुख प्रतिनिधिगण, नागरिकगण और इस परिसर में जहां हम बैठे हैं इसके स्टाफ मेंबर्स, सबसे पहले तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पिछले 7-8 वर्षों में, जैसे कि अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि अमृत महोत्सव का भी समय है और हम मोदी जी की सरकार के पिछले 8 वर्षों का लेखा जोखा भी कर रहे हैं और अगले 25 वर्ष की किस प्रकार की योजना रहेगी, जबकि भारत अपनी 100वीं शताब्दी मनाता है, उस वक्त तक का जब हम उल्लेख करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमारे ध्यान में ये आएगा कि जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, उन्होंने न केवल विज्ञान के संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है, प्रोत्साहन दिया है, बल्कि बहुत से ऐसे विज्ञान संबंधी विभाग जिनको पहले बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिलते थे, जिसकी विजिबिलिटी नहीं थी, जिनका अक्सर जिक्र नहीं होता था, उनको प्रमुख भूमिका दे करके उनको विश्व में एक अग्रणीय भूमिका दी है। उसमें से एक विभाग है पृथ्वी विज्ञान का, जिसे कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मैंने बहुत साल पहले जो तब के सेक्रेटरी थे अर्थ साइंसेस के, उनसे एक बार पूछा था दिल्ली में कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी पीपल इन दिल्ली कैन टेल वेयर ऑन अर्थ इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। यानी इस प्रकार गुमनामी के आलम में ये मंत्रालय काम करता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोत्साहन, उन्होंने जिस प्रकार का इनको बजट उपलब्ध करवाया, उसका नतीजा ये है कि समुद्र के बीच में से जो फार सरमाया भारत का बसा हुआ है उसको लेकर के डीप सी मिशन का काम, अभी हाल ही में समुद्रयान भी वहाँ से लॉन्च हुआ है, क्योंकि शायद हमारे ध्यान में है कि नहीं है, भारतवर्ष के पास शायद दूसरे देशों की तुलना में सबसे
लंबा कोस्टल लाइन है लगभग 6000 किलोमीटर और भारत मात्र एक ऐसा देश है जहां का सागर भारत के नाम पर है, देश के नाम पर है, इंडियन ओशन। मैं ऑस्ट्रेलिया से आए हुए कुछ वैज्ञानिकों को कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आईलैंड, बट दिस ओशन अराउंड इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। उसका शायद ये कारण कि जो हमारे पूर्वज रहे, जो उस समय के विचारक रहे प्राचीन भारत के, उनको शायद ये एहसास हुआ होगा कि कितना बड़ा सरमाया हमारे समुद्र तट के अंदर छिपा है और आने वाले समय में वो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा अंग बनने वाला है, जो हमारे नीचे के माइंस हैं, लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि पृथ्वी विभाग की ओर से जितने भी अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये इसलिए संभव हुए कि देश के मुखिया की सरपरस्ती हमें हासिल है। इसी प्रकार जो आज का कार्यक्रम है, जैसा आपको बताया गया, भूकंप को लेकर के बहुत कम जानकारी विश्व भर में उपलब्ध है। अभी भी कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसके आधार पर 100% ये भविष्यवाणी की जा सके कि भूकंप आने वाला है या कितनी बड़ी मात्रा में स्केल में आएगा। अभी भी कई कई स्थानों पर वही प्राचीन के परिंदे उड़ने लगे तो अंदाज़ा हुआ कि कुछ इस प्रकार की, या फिर कोई ऐसे स्थान है जो अर्थक्वेक प्रोन है, वहाँ पर लोग उस प्रकार की एहतियात बरतते हैं, चाहे इमारतें बनाने में, चाहे दूसरे स्ट्रक्चर खड़े करने में। इस विषय को लेकर के भारत ने अगर पहल की है तो इसलिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के प्रोत्साहन से एक मुहिम शुरू की है और पिछले 8 वर्षों में, जैसा कि अभी बताया जा रहा था, कहा जाता है कि 8 वर्षों में क्या हुआ, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम पिछले 8 वर्षों की तुलना करें उससे पहले के 8 वर्षों से, बल्कि मैं तो तैयार हूँ कि उससे पहले के 62 वर्षों के साथ की जाए, तो पिछले 8 वर्ष में 70 से अधिक, कई गुना अधिक इसमें प्रगति की गई है। और हमारी ये भी योजना है कि अगले 5 वर्षों में हम 100 और इस प्रकार के सेंटर देश भर में स्थापित करेंगे ताकि विश्व को भूकंप संबंधी ज्ञान देने में भारत एक प्रथम श्रेणी की भूमिका निभाए, भारत उसका नेतृत्व करे। भारत की वैज्ञानिकों और हमारे शोधकर्ताओं और हमारी प्रयोगशालाओं से उपलब्ध की गई जानकारी बाकी विश्व के काम आए। और उसी दृष्टि में डॉक्टर एम रविचंद्रन कह रहे थे कि उधमपुर का नाम भारत के नक्शे पर जुड़ गया है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटर हो रहा है, देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर में किसी भी कोने में कहीं पर भी भूकंप को लेकर के यदि कोई प्रयोग हो रहा होगा, यदि कोई शोध हो रहा होगा, यदि कोई जानकारी प्राप्त करने की का प्रयास हो रहा होगा, तो भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न केंद्रों से क्या इनपुट्स आती हैं, वो जब स्क्रीन पर छलकेंगी तो वहाँ उधमपुर का नाम जगमगाएगा। इसके अतिरिक्त जैसा इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये तीसरा इस प्रकार का केंद्र है, क्योंकि हमने पाया कि जम्मू कश्मीर भी भूकंप प्रोन है। पिछले 10 वर्षों में जो बड़े बड़े भूकंप आए, उसमें से एक तो गुजरात का भूकंप था जब मोदी जी नए वहाँ मुख्यमंत्री बने उस समय का, उसके अतिरिक्त 2005 में कश्मीर घाटी में, और फिर नेपाल में कुछ साल पहले। ये सारा का सारा सिस्मिक जोन है और विशेषकर कश्मीर घाटी में, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, इसलिए वहाँ पर पहले प्रयोगशाला का स्थापना की गई। और उधमपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दो सिस्मोजेनिक फॉल्ट लाइंस के बीच में स्थित है, यानी दो ऐसे वल्नरेबल एरियाज के बीच में इसका लोकेशन है, तो पूरे का पूरा जितना क्षेत्र है उसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। और ये जानकारी हमें इस बात का विश्लेषण करने के लिए भी सहायता करेगी कि यदि भूकंप की संभावना है तो कितनी मात्रा में, क्योंकि ज़मीन के नीचे की जो एक्टिविटी है 2.5 मैग्नीट्यूड तक इस प्रयोगशाला, इस यंत्र के माध्यम से पता लगाने का एक आपके पास उपचार उपलब्ध है। और जैसे मिश्रा जी कह रहे थे कि जैसे मानव शरीर है, इसी तरह से माता पृथ्वी का भी शरीर है। मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन खैर मैं नहीं कह सकूँगा कि क्या वाकई शरीर की हरकत उसी प्रकार की है, लेकिन हाँ, ये जो यंत्र लगा है ये निरंतर एक ग्राफ ट्रेसिंग करेगा,
कोई भी धरातल के नीचे एक्टिविटी हो रही है जो निरंतर होती रहती है, कभी कोई सहजता है, कभी उसमें वाइब्रेशन होती है, उसको पिकअप करके ग्राफ बनाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति के दिल का ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और निरंतर ग्राफ भी उसी तरह का बनेगा। अंतर सिर्फ ये है कि देर सवेर जल्दी या देर से इंसान का ग्राफ फ्लैट हो जाता है जब उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। पृथ्वी का ग्राफ कभी फ्लैट नहीं रहता, लेकिन इन्हीं वाइब्रेशंस के माध्यम से आने वाले समय की एक्टिविटीज़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए और विशेषकर उधमपुर ज़िले के लिए एक नया तोहफा हमें आज मोदी जी ने दिया है। दूसरी बात, यहाँ तक जम्मू उधमपुर ज़िले का संबंध है, जैसे लालचंद जी ने कहा, बहुत से यहाँ पर नए ऐसे संस्थान स्थापित हुए जिनकी मांग कई समय से चली आ रही थी। उसमें एक रेडियो स्टेशन की मांग जो युद्ध के समय से थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नई किस्म की कार्य संस्कृति स्थापित करने का एक प्रयास हो रहा है, उसके दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक तो ये कि जिस चीज़ की जिसे आवश्यकता है उस तक पहुँचे, जहाँ किसी कमी रह गई उसकी पूर्ति हो, बिना किसी भेदभाव का, बिना ये सोचे हुए कि वहाँ से हमें वोट मिला भी है कि नहीं है, वोट किसको दे रहा है वो जनता पर छोड़ दिया जाए। और दूसरा कि जनता ने जो मांग किया वो तो निर्वाचित प्रतिनिधि देगा ही देगा, नहीं तो उसका पुतला जलाया जाएगा, उसका धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन एक संजीदा गंभीर प्रतिनिधि का ये दायित्व है कि वो खुद शोध करे, खुद अध्ययन करे और समझे कि यहाँ की जनता के लिए क्या उपलब्ध किया जा सकता है, ताकि जिसकी शायद जनता को भी जानकारी ना हो। उस दृष्टि से अब इस यंत्र की कभी कोई मांग नहीं की गई थी, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि सिस्मोलॉजिकल सेंटर होता क्या है। इसका दो दिन इन्होंने इश्तिहार दिया तो लोगों को ये भी नहीं समझ आया, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार की स्टार्टअप मूवमेंट हिंदुस्तान में चल रही है बड़ी तेज़ी से, और बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में उसने गति पकड़ने में थोड़ा समय लगा है, ये एक नया स्टार्टअप का एवेन्यू रहेगा। और मिश्रा जी को मैं सुझाव दे रहा था कि हम यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर के कुछ ऐसी व्यवस्था करें कॉलेज के और प्लस 12 10 प्लस 2 के बच्चों को यहाँ पर विजिट का आयोजन हो, वो देख सकें कि किस प्रकार से यहाँ कार्य हो रहा है, उससे उनको आइडियाज़ आएंगे। आइडिया के साथ इनोवेशन, नए स्टार्टअप के पीछे का राज है आइडिया, इनोवेशन, और उसी में रोज़गार भी है, और ये एक बहुत बड़ा एक आयाम है। और मुझे विश्वास है कि अगर इसका सही माने में उपयोग किया जाए तो ना केवल उधमपुर तक इसका लाभ सीमित रहेगा, इसके लाभार्थी दूर दूर तक फैलेंगे। दूसरा, इसी प्रकार से देविका नदी की बात इन्होंने की, शताब्दियों से चली आ रही थी, कई पीढ़ियाँ जमी पली, वहीं पर संस्कार भी हो गया, लोगों ने मांग करनी छोड़ दी थी, तो लगता था ये कभी हो नहीं पाएगा, वो भी यहाँ आया। पासपोर्ट के ऑफिस की कभी यहाँ मांग नहीं आई थी, और हम तो समझौता कर चुके थे कि पासपोर्ट बनाना हो तो जम्मू ही जाना पड़ता है, बिना किसी मांग के यहाँ पर लाया गया। क्योंकि जब हमें इस बात की जानकारी पता चली, उस समय विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी थी, कि एक नई योजना आई है जिसके तहत डाकखानों में पासपोर्ट उपलब्ध कराने का एक अलग से कक्ष बनाया जाएगा, तो हम उनके पास पहुँचे तो हमने उनसे ये निवेदन किया कि एक हमें कठुआ, उधमपुर और डोडा के लिए दिया जाए। डोडा तो नहीं मिल सका भी, लेकिन दो स्थानों के लिए मिल गया। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज की कभी मांग नहीं आई थी, सबने समझौता किया था कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है तो जम्मू ही जाना है, यकीन। लेकिन ये एक वाहिद मुझे लगता है लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश में जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं, उनमें से उधमपुर का है। मुझे हमारा प्रयास है कि इस बार वहाँ पे भी पहला सेशन शुरू हो। मैंने एक सुझाव दिया था कि जब तक हमारे पास बिल्डिंग उपलब्ध नहीं है, हम कहीं और मेक शिफ्ट, क्योंकि पहले दो साल कोई बहुत ज़्यादा अस्पताल की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए जहाँ तक रेडियो स्टेशन का ताल्लुक था, रेडियो स्टेशन भी बनाने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक नई योजना आई। उस समय हमारे मंत्री माननीय वेंकैया नायडू जी से,
जब उनके पास हमने वो प्रपोजल पहुंचाया तो बोले, तो पूछने लगे कि ये किस प्रपोजल के तहत उधमपुर में रेडियो स्टेशन की प्रस्तावना की गई है। तो जब हमने एक उन्हें नियम बताया जो नया बना था, तो बोले अगर ऐसा है तो मेरी जानकारी में नहीं था, इस प्रपोजल को वापस ले जाइए, दोबारा लाइए, उधमपुर के साथ साथ जो मेरा शहर है निलौर उसको भी शामिल कीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के, जिनके लिए शोध भी किया गया, अध्ययन भी किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी को जिस चीज़ का दूरगामी के साथ लाभ पहुँचे उसकी व्यवस्था की जा सके। और इसी के साथ साथ नए डीसी साहब के साथ अभी हमारा बड़ा विस्तृत बैठना नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय पहले कलाड़ी को डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट घोषित किया गया, क्योंकि एक योजना आई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये तय किया गया कि उधमपुर से कलाड़ी हमारा प्रोडक्ट रहेगा, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से वैल्यू एडिशन करके हम उसको बाहर तक ले जाएंगे, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था और उसकी योजना की जाएगी, उसकी वैल्यू एडिशन के लिए प्रोफेशनल्स का सहयोग लिया जाएगा, नया इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ पर बन रहा है। मैंने बार बार ये आग्रह किया है कि हम में से कुछ लोग बैठे प्रशासन के साथ और पहले से ही योजना बना करके रखे कि वहाँ पर किस किस्म के यूनिट स्थापित करने हैं, कहीं ऐसा ना हो हम फिर से वही प्रोविजनल स्टोर और कंप्यूटर की दुकानें बना लें, क्योंकि दुनिया बदल गई है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का ज़माना है। और अगर अगली पीढ़ी के लिए हमने कुछ सोचना है तो कुछ ऐसा सोचे कि कम से कम 50 नहीं तो 25 साल जिसकी रेलेवेंस रहे। हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीटेक स्टार्टअप और डेयरी स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा सरमाया है, उसको लेकर के भी हम बल देंगे। और बहुत तेज बारिश होने का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है लेकिन सुना नहीं जा रहा पूरी तरह, इसलिए आप घर जाकर के सोचिएगा कि जब बहुत तेज बारिश हुई थी तो उस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या कह रहा था, तो आपको याद आएगा कि मैं स्टार्टअप की बात कर रहा था, और शायद आपको ना सही तो आपके पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको ज़रूर याद रहेगा। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई उधमपुर को, मोदी जी की ओर से एक और तोहफा, एक और गिफ्ट आज जब दुनिया का लॉन्गेस्ट डे कहा जाता है 21 जून, उस दिन उपलब्ध हो रहा है। तो पिछले 7-8 वर्षों में उधमपुर एक के बाद एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत से ऐसे संस्थान बनाए गए और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाए गए, जैसे देविका का प्रोजेक्ट अपने तरह का पहला, नमामि गंगा की तर्ज पर उत्तर भारत में पहला रेडियो स्टेशन की यहाँ स्थापना हुई है, पासपोर्ट ऑफिस की, और उसी तर्ज पर उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये सिस्मोलॉजिकल सेंटर यहाँ स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो एक्टिविटी होती है जिसका कहीं ना कहीं भूकंप के साथ ताल्लुक रहता है, उसे समय पर डिटेक्ट करना और उसकी सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी, जो सबसे आधुनिक और संवेदनशील सेंसिटिव यंत्र है, क्योंकि इस रेंज में सिस्मिक फॉल्ट्स भी पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में भी और उधमपुर में भी। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि उत्तर भारत में कुछ एक ऐसे स्थान है जहाँ पर इसको स्थापित किया है, जम्मू कश्मीर में 3रा स्थान है और पूरे देश भर में लगभग 152 में से एक उधमपुर भी उस नक्शे पर शामिल हो गया। और ये अब हमें, मेरा ये आग्रह रहेगा कि इस की जो उपयोगिता है उसके साथ साथ इसके पीछे की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको समझने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी भी आए, छात्र भी आए, क्योंकि इससे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह का स्थान किसी और यंत्र किसी और स्थान पर भी लग सकता था, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी हिमालय इलाके में, लेकिन इस विभाग ने उधमपुर का चयन किया है और मुझे लगता है कि उधमपुर के लिए विशेष एक तोहफा भी है। क्योंकि